हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल टीएम एग्ज़ाम में। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स है, पैरामेडिकल के जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भरे हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, ठीक है ना। तो ये पैरामेडिकल का जारी हुआ, जैसे कि आपको पता है 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा है बीएससी नर्सिंग वाले और एएनएम जीएनएम वाले, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये पैरामेडिकल का है, ठीक है, पैरामेडिकल नर्सिंग का है। इसीलिए तो अभी जो है 16 तारीख को पैरामेडिकल नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है और एएनएम जीएनएम का जो है अभी सितंबर से पहले पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। तो रुकिए, उसका कोड में कुछ आदेश आएगा तो आपको मिल जाएगा। कोई अपडेट अभी नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट में, इसलिए चुपचाप से इत्मीनान से घर में चुपचाप से अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहना है कंटिन्यू, और अगर टेस्ट सीरीज में हमारे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे आप पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आप गूगल पे खोलिएगा टीएम एग्ज़ाम और ये देखिए डायरेक्ट खोलिएगा इसको, और ये जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे, देखो हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कोई आपके घर में अगर बच्चे हैं तो 25 तारीख से हम लोग को ऐप के थ्रू से आप क्लास 9th और 10th के इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी बुक्स पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे, है ना, और मात्र 50 रुपया पर महीना के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करना है, टीएम एग्ज़ाम ऐप का नाम है, ये देखिए ये टीएम एग्ज़ाम नाम है, आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो ये है हमारा पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए ये वाला फ़ोटो ही दिखेगा आपको, देखिए ये एडमिट कार्ड है ना, ये जो थंबनेल आप देख के आए हों यही थंबनेल आपको दिख रहा होगा, है ना। जैसे कि आप देख लो कि एग्ज़ाम डेट है कब था, ये देखो एग्ज़ाम डेट कब था, ये देखो ये एग्ज़ाम डेट 16/7 को था, तो ये 4 दिन पहले, यानी ये आज है 12 तारीख। और हो सकता है कुछ लोगों का भी डाउनलोड होना नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा, तो घबराना नहीं है। कल यानी कि बोला है कि 12 से 16 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो हो सकता है आज नहीं हुआ आपका तो कल किसी स्टूडेंट का हो गया ऐसा, तो वो डाउनलोड इस प्रकार कर लेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अब रही बात कैसे डाउनलोड करना है, तो आप नीचे आओगे और नीचे आके देखो बाबू यहाँ पे है डाउनलोड एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट 16, ये भी लिख दिया हूँ, यहाँ क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुलो का साइट खुल जाएगा, देखो साइट खुल गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम एप्लीकेंट लॉगिंग, ये देखो। तो मतलब करना क्या है, यहाँ पे बस मोबाइल से हो जाएगा, यहाँ से लॉगिंग करना है, तो क्लिक करते हैं और बस यहाँ पे देखो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है जो भी है कुछ यहाँ पे डालना है ना, और यहाँ पे एडमिट कार्ड तुम्हारा जारी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये डालना कैप्चा कोड और यहाँ पे अपना डाल लेना और यहाँ पे क्लिक करके तुम्हारा एडमिट कार्ड वहाँ शो होगा और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने जो डिटेल डाल लिया है, और डालने के बाद देखो यहाँ पे मैंने चेक किया, मैंने खुद ही का ही वाला है ना, देखो एडमिट कार्ड प्रिंट, देखो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो एडमिट कार्ड मेरे प्रिंट होगा। इसी प्रकार देखो डाउनलोड करके मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आ गया, नहीं तो बोलोगे कि आई वे नहीं किया, झूठे झूठे बोल रहे हो, और दिखा देता हूँ, है ना। देखो है ना बाबू लोग, देखो इंटरमीडिएट पीसीएम लेवल का मैंने भर के दिखाया था फॉर्म, देखो ये डिटेल से, देखो कब कब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट 10 से 12 बजे यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और ये 16 तारीख को एग्ज़ाम है संडे का दिन। अभी एएनएम जेएनएम का नहीं है, यहाँ पे देखो गौर से क्या बोला गया है ना, ये देखो पैरामेडिकल का है, तो एएनएम जेएनएम वाले बीएससी नर्सिंग वाले कन्फ्यूज मत होना, देखो यहाँ लिखा हुआ पैरामेडिकल है ना, तो इसका कोई केस बेस नहीं गया था, इसीलिए ये वाला लेके जाना है। यहाँ पे सारी चीज़ दे के रखा है इंस्ट्रक्शन कि एग्ज़ाम देने जाओगे तो क्या क्या लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना है ना, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे आपको एक ओमार शीट दिया रहेगा, गोल गोल भरना है, और सही उत्तर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क काट लिया जाएगा, यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी का फोटोग्राफ सही से नहीं दिख रहा है तो एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो तो एक अच्छे फोटोग्राफ लेके चला जाना, अगर नहीं दिख रहा है तो वो फोटोग्राफ चिपका भी काम चल जाएगा, और कोई एक आधार कार्ड लेके चल जाना है ना, वो लेके चल जाना है ना, ठीक। इस प्रकार ये लेके आप लोग चल जाइएगा और बेस्ट ऑफ लक, सभी को एग्ज़ाम दीजिए। कोई फ़ोन कैलकुलेटर वगैरह ये सब नहीं लेके जाना है, ठीक है। कलम ले लीजिएगा, एक बॉल पॉइंट ब्लैक ले लीजिएगा, देखिए ब्लैक बॉल पॉइंट ले लीजिएगा, है ना, वो सर्कल को भरने के लिए, जो ओएमआर का जो सर्कल रहेगा उसको भरने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार आप एग्ज़ाम दे के आइए, उसके बाद जो भी होगा डिटेल हम बात करते हैं। थोड़ा सा अगर सिलेबस देखना चाहो, सिलेबस तो जानते होगा, कोई देखना 50-50 पूछता है, ठीक है। चलो तो ठीक है ना, अब जो एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग वाले हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका भी उपाय लग रहा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।